डिड यू नो क्रिस्टोफर नोलन की वजह से राजू हिरानी को पीके 2 बार रीराइट करनी पड़ी? एक बार हमने दिया था उसको कि वो हाथ पकड़ के ये कर लेता है, एक और उसको हमने ये दिया था कि वी आर अ सम टोटल ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, कोई पार्टीशन में उसका कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, पाकिस्तान से यहाँ आया, यहाँ से वहाँ गया, तो उनका एक बिलीफ हो जाता है कि हेटरेट शुरू हो गई। तो हमसे अगर हम पार्टीशन का एक्सपीरियंस उसका चेंज कर दें मेमोरी में जाके उसका, तो आदमी चेंज हो जाएगा। तो हमने पूरा सेकंड हाफ वो सोच के लिखा, वी थॉट कि हमने ग्रेट आइडिया क्रिएट कर दिया। फिर किसी ने कहा कि यार एक फिल्म आई है इंसेप्शन, जाके देख लो, शायद कुछ तुम्हारे आइडिया से मैच होता है। तो हम दोनों गए और हम थिएटर से उठे ही नहीं, यार ये तो मर गए अभी। अब था कि अब क्या करें, नॉकआउट पंच, पूरी हमको लग रहा था यूनिक आइडिया हमारी खत्म हो गई। बिकॉज़ वी आर सो हैप्पी विद दिस आइडिया। तो आप ये नहीं कर सकते कि सब लोग बोलेंगे चोरी की, नोबडी विल बिलीव कि हम उस वक्त लिख रहे थे जब इंसेप्शन बन रही थी। सो वी हैड टू डंक दैट होल चंक एंड स्टार्ट रीराइटिंग। सो राइटिंग वाज वेरी टफ ऑन दिस।